एक राज खुली गए। वैसे बताइए कि मुझे आगे क्या करना है। आज आपको वायलिन सीखने जाना है मैम। क्या फिर से? मैं तो कल ही उस जगह पर गई थी ना। जल्दी ही आपका स्टेज शो होने वाला है मैम। सुनो जरा गाड़ी रोकना। जी ठीक है। जरा रुकिए ननाको दीदी। क्या तुम उस लेडी को जानते हो? नहीं नहीं मैं उन्हें नहीं जानता। पर मैंने देखा है कि ये बच्चा हमेशा उनसे बात करता रहता है। हाँ मुझे याद आया वो शिनचैन की ननाको दीदी है। कुरोइसो आज मुझे एक जरूरी काम है। क्या कहा? आप ऐसा कीजिए मुझे पार्लर ले चलिए। मुझे ननाको दीदी का हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। मैं भी अपना हेयर स्टाइल वैसा ही करवा लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि हेयर स्टाइल की कोई प्रॉब्लम है। एक लड़की को हमेशा अपने बालों का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। देखना जब मैं अपना हेयर स्टाइल बदल लूंगी तो सब मेरे बालों को देखते रह जाएंगे। आप खड़े खड़े मेरी बातें सुन रहे हैं, बताइए मैं सही कह रही हूँ ना? लीजिए अब आप ये मैगजीन पढ़िए। मैम जल्दी से बाहर आइए, आपके स्कूल जाने का टाइम हो गया है वरना देर हो जाएगी। उन्हें कह दो कि आज मैं नहीं आने वाली। ये हेयर स्टाइल तो एकदम अलग है, मैं इसमें अच्छी नहीं लग रही। मुझे ऐसे बाल नहीं चाहिए, मुझे मेरे पहले वाले बाल चाहिए। अब मैं क्या करूं? ऐसे बालों के साथ तो मैं स्कूल भी नहीं जा सकती। मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने तैयारी कर ली थी। अपना ख्याल रखिएगा मैम। मदद के लिए आपका शुक्रिया। माफ करना, मैंने इसे जल्दबाजी में मंगवाया था, इसलिए लगता है साइज में कुछ गड़बड़ हो गई। अगर किसी ने ये देख लिया होता तो क्या होता? आई-चान, गुड मॉर्निंग। मसाओ, क्या तुमने कुछ देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। तुमने देखा है? हाँ देखा। तुम ये बात किसी को नहीं बता सकते मसाओ, ध्यान से सुनो। तुमने जो अभी देखा ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। हाँ, क्या कहा? हम दोनों के बीच? हाँ मैंने यही कहा है। मेरे और आई-चान के बीच। आई-चान, मैं ये राज जरूर बनाए रखूंगा जो तुम्हारे और मेरे बीच में है। मसाओ बस ये राज बनाए रखना ही काफी नहीं है। हाँ। तुम्हें मेरे बालों की रक्षा करनी होगी और इसके अलावा मेरा साथ भी देना होगा। हाँ मैं करूँगा। आई-चान तुम्हें रस्सी कूदना पसंद है? रस्सी कूदना? हाँ हाँ बिल्कुल। रस्सी कूदना अच्छा नहीं लगता। मसाओ तुमने गलत किया, मुझे माफ करना। अरे मसाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हम खेलना शुरू करने वाले हैं। मुझे डॉज बॉल से ज्यादा रस्सी कूदना पसंद है। क्यों? है ना आई-चान? वाओ शिनचैन क्या तुम मुझे भी बुला रहे हो? क्या तुम्हें डॉज बॉल खेलनी आती है? हाँ आती है। नहीं नहीं आई-चान, डॉज बॉल खेलना बहुत ही मुश्किल है। प्रिंसेस ऐसे खेल नहीं खेलती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या वो सही कह रहा है? चलो ना आई-चान मिलकर रस्सी कूदते हैं। रस्सी कूदते हैं? क्या बच्चों ब्रेक खत्म हो गया है? क्या इतनी जल्दी आ रहे हैं? मुझे खेलना था। मैं बच गया। अब एक्सरसाइज करने का वक्त हो गया है तो आज हम मैट्रेस एक्सरसाइज करेंगे। क्या मैट्रेस एक्सरसाइज? ठीक है तो सब एक एक करके समर सॉल्व करेंगे। क्या ये ठीक होगा? ये तुम पर निर्भर करता है कि ये ठीक होगा या नहीं। मसाओ तुम्हें हर हाल में मेरी मदद करनी होगी। अरे वाह सब अच्छा कर रहे हैं। सुनो कसामा उधर देखो, ये दोनों बहुत बातें कर रहे हैं। लगता है वो अच्छे दोस्त बन गए हैं। सही कहा। ध्यान दो कसामा, मैं तुम्हें अपनी एक खास टेक्निक दिखाऊंगा। तुम्हारी खास टेक्निक कौन सी है? अब अगली है आई-चान की बारी। ठीक है।
तैयार हो ना मसाओ? हाँ। हो गया। अरे वाह ईशान, तुमने तो बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। पता है योशिनागा मैम, मैंने एक्सरसाइज क्लब में गोल्ड मेडल जीता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ बताओ। हाँ, क्या कहा नैनी? हम सब देख रहे हैं कि तुम बहुत देर से उसकी बात माने जा रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं और आईजन, हम दोनों की दोस्ती बहुत ही खास है। तो तुम घबरा क्यों रहे हो? ठीक है, अब हम उल्टा समर सॉल्व करेंगे। क्यों ना आईजन आप सबको ये करके दिखाए। आईजन, उल्टा समर सॉल्व बहुत खतरनाक है। तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो मसाओ? पर क्या तुम तैयार हो? शुरू करते हैं। हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कज़ामा, अब मैं समरसॉल्ट करूंगा। देखो अपनी पैंट मत उतारना। मैं बस गिरने ही वाला था, तुम्हारा शुक्रिया। ये क्या है? ओ नहीं, ये क्या है? ये क्या हो गया? मैंने अपना हेयरस्टाइल छुपाने की बहुत कोशिश की। आईजन, तुम इन बालों में अच्छी लग रही हो। बहुत प्यारी, सच में है? तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। क्या सच में? हाँ ये बात बिल्कुल सच है। जैसा कि मैंने सोचा था, मुझ पर तो सब अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हूँ ही बहुत प्यारी। अच्छा तो ये बात थी। सुनो मसाओ, ये बात तुम्हारे मेरे बीच ही रहेगी। तो अब समझ आया तुम्हें मसाओ? खोदा पहाड़ और निकला चूहा। शिनचैन, तुम्हें मेरा नया हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है ना? सच सच बताओ कज़ामा, लंबी बाल में भी अच्छा लग रहा हूँ मैं। बस भी करो शिनचैन।